मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर, जहां मां के दरबार में दूर दूर से गांव गांव से लोग आते हैं, माता रानी की शोभा यात्रा एवं जवारों विसर्जन के लिए शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। श्रद्धालु जगह जगह भंडारे, खीर पूड़ी, हलवा, तो कहीं फल, तो सब कहीं शरबत, तो कहीं मठा के आयोजन भी करते हैं। शोभा यात्रा में लाखों की संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं। बहुत से श्रद्धालु ऐसे हैं जो अपनी जीव और शरीर के विभिन्न अंगों में त्रिशूल भी धारण किए हुए होते हैं। माँ की अजीब कृपा रहती है भक्तों पर, जो अपनी जीव में तीन तीन त्रिशूल हम सारे दिन छेद कर माता रानी के साथ चलते हैं, और जगह जगह कई अन्य प्रदर्शन भी चलते रहते हेलो हैं। जी, बताएं नरसिंहपुर में क्या चल रहा है? देवी जी का जो जुलूस निकल रहा है, उसमें किस किस प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं और कहां कहां से लोग आते हैं और कितनी जनसंख्या होगी करीब माता रानी के जुलूस में? जी मनोज, ताराजी मैं आपको बता दूं कि नरसिंहपुर जिले में ये जो जुलूस है वो कई पीढ़ियों से ये जुलूस निकलता चला रहा है। यहाँ पर ये जुलूस है, ये यहाँ पर जो जुलूस है ये कई पीढ़ियों चलता चला आ रहा है। यहाँ पर ये आस्था के प्रतीक है। यहाँ पर नरसिंहपुर कह तो ठीक है, नरसिंहपुर के आस पास के जो लगे हुए जिले हैं वहाँ से भी यहाँ पर लोग आते हैं, दर्शन लाभ लेते हैं। यहाँ का जो जुलूस है वो एक ऐतिहासिक जुलूस बोल सकते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जुलूस है ये। 751 घट यहाँ पर रखे जाते हैं, भारी मात्रा में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। विभिन्न विभिन्न प्रकार की अपनी वेशभूषा में रहते हैं, कोई भगवान के रूप में रहता है, कोई हनुमान जी के रूप में रहता है। यहाँ पर जो श्रद्धा और भक्ति ये भाव अगर देखना है तो नरसिंहपुर में देख सकते हैं कि किस तरह लोग यहाँ पर भाव विभोर होकर श्रद्धा और भक्ति में डूब जाते हैं। जी तारा जी, मनोज जी, मैं जानना चाहता हूँ कि वहाँ पे कुछ लोग मुंह में जीभ के अंदर त्रिशूल धारण किए हुए होते हैं, क्या इस बारे में आप कुछ कहेंगे? जी, यहाँ पर ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि लोग ये यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं आसपास के गांव से और शहर से आते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जिनकी त्रिशूल जो है, त्रिशूल की लंबाई देखी जाए तो 20-20 फुट के ये त्रिशूल हैं जिनको वो अपने गाल और जीभ में छेदते हैं। ये भी भगवान की एक करिश्मा बोल सकते हैं, आप एक चमत्कार बोल सकते हैं कि इतने बड़े बड़े त्रिशूल छेदने के बाद ये व्यक्ति घंटों, दो दो तीन तीन छह छह घंटे ये जुलूस चलता है और इस जुलूस में वो इतने समय तक धारण किए रहते हैं। यहाँ पर जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कहीं पेट में, कहीं हाथ में और कहीं जीभ में ये त्रिशूल धारण करते हैं। इसको देख के कहा जा सकता है कि भगवान अभी भी है और ये चमत्कार है या श्रद्धा या भगवान का ही कोई चमत्कार है, ये कह सकते हैं। जी मनोज जी, माता रानी की उन पर असीम कृपा होती है इन भक्तों के ऊपर जो इस तरह के कारनामे करते हैं, और उनकी जो श्रद्धा होती है माता रानी के प्रति। ठीक है मनोज जी, इसके लिए धन्यवाद। यहाँ पर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं क्या है? हाँ, यहाँ माता रानी की सिद्धि है, यहाँ जो भी अपन मांगो वो पूरा होता है। और बहुत सारे लोग हैं जिनको भाव भी आते हैं, जिनको देवी कहा जाता है, पर यहाँ पर भाव भी आते हैं आप देख सकते हैं। और लोग लगातार सुविधाएं, पानी, जल, क्या नाम खाना है, सब कुछ। मेरा नाम दिव्या अवस्थी है। मैं दीपिका अवस्थी और हमारी पूरी फैमिली यहाँ, हम सुना है कि यहाँ नरसिंहपुर में भव्य जुलूस निकाला जाता है, जवारे विसर्जन बहुत बहुत ही भव्य तरीके से किया जाता है यहाँ समारोह। तो हम लोग यहाँ पधारे हैं इस जुलूस का हिस्सा बनने के लिए। कैसे लग रहा है यहाँ पर आके? यहाँ अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि माता रानी स्वयं हमारे साथ चल रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपिका अवस्थी है। माता रानी की शोभा यात्रा के दौरान स्वच्छ भारत अभियान का संदेश देती हुए नगर पालिका द्वारा साफ सफाई अभियान चलाकर राष्ट्र में डिस्पोजल और कचरा फैला हुआ है, जिसको साफ करते हुए नीरज महाराज कई बार।
चलिए बात करते हैं नीरज महाराज। यहाँ सार्वजनिक जवारों का कार्यक्रम हमारे शहर में होता है, इसमें भक्तगणों की बड़ी आस्था है माँ के साथ। तो सारा शहर और जिले के और आजू बाजू गांव क्षेत्र के आदमी सारे यहाँ एकत्रित होकर इस कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करते हैं और माँ जगदम्बा का आशीर्वाद लेके अपने परिवारों में उन्नति प्रगति और ऐश्वर्य के लिए प्रार्थना करते हैं। इसमें कौन कौन से प्रशासन करते हैं, किसका सहयोग है? इसमें तो सारे प्रशासन के जो लोग हैं, यानी जो भी विभाग है, और ये तो धार्मिक त्यौहार, इसमें प्रशासन क्या और शासन क्या, सारे तबके के लोग, सारे समाज के लोग इसमें आगे आके अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। और सबको यहाँ जो देख रहे हैं आप, व्यवस्थाएँ हर मंडल की व्यवस्थाएँ हैं, प्रसादी की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, सारे लोग आस्था के साथ सारे भक्तों का और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का बड़े भव्यता के साथ स्वागत करते हैं। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं इस माता रानी के इस भव्य आयोजन में। आप सब पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद।